स्वागत है आपका जेजे न्यूज की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में, और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, जेजे की टीम अभी हल्द्वानी के एक निजी होटल में मौजूद है, जहां सनातन एट के प्री लॉन्च के कार्यक्रम के संबंधित जो प्रेस वार्ता है वो रखी गई है। तो बिना किसी देरी के सीधे आपको प्रेस वार्ता में लिए चलते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? दीपक महेश्वरी। आज सनातन एट की ओर से एक पहल की गई है बेहद ही खास, जरा बताइए क्या कुछ खास इसमें होने वाला है, किस प्रकार से ये हेल्प लोगों की करेगा? देखिए, जैसे कि आपको आपने सुना होगा कि ये 5 मेन जो आदर्श है उन पर काम करेगा, जिसमें सेवा है, संस्कार है, सुरक्षा है, शिक्षा है, इन सब लोगों पे। तो हमारा एम ये है सनातन के अंडर, सनातन की एक अम्ब्रेला के अंडर, कि हम जो समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो किसी तरीके से किसी भी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिनको मतलब धन की वजह से या अपने संकोच की वजह से या किसी भी कारण से, तो उनको आगे बढ़ा देना है। उनको जिस चीज की आवश्यकता है, जैसे शिक्षा की किसी को आवश्यकता है, शिक्षा में उनको बढ़ावा देना है। देखिए, क्लास 12 तक तो मोस्टली शिक्षा मिल ही जाती है, प्लस 2 के बाद ही शिक्षा की जो मेन खर्चे के हिसाब से और दिक्कतें होती हैं वो सब आती हैं, तो आगे की शिक्षा है, प्लस इस तरीके से कि थोड़ी सी टेक्निकल ट्रेनिंग है, जिससे कि एक जो है अब एक स्टार्टअप अपने शुरू कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप अपनी कर सकें। जरूरी नहीं है हर किसी को कि ठीक है सब लोग नौकरी ही करें। आत्मनिर्भरता की बात, निर्भरता की तरफ, जिसकी तरफ जो है मतलब एक इतना थ्रस्ट है आजकल, सरकार जो केंद्र सरकार है वो भी कर रही है। तो हमारा एम ये है कि हर तरीके से, फिर शिक्षा है, फिर स्वास्थ्य है, हर चीज़ में जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम समाज के लोगों को वो प्रदान करके और उनकी मदद करें। चलिए सर, बहुत शुभकामना। सर, आपका नाम? डॉक्टर भारत भूषण। आज आपकी ओर से सनातन एट की ओर से प्री लॉन्चिंग कार्यक्रम में प्रेस को ब्रीफ किया गया है, 5 चीज़ों में आपने जोर दिया है, स्वास्थ्य, सुरक्षा और इससे संबंधित क्या कुछ पूरा ब्रीफिंग क्या हुई है और किस दिशा में आपकी ओर जो काम किया जाना है? हम लोग सेवा, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार के मामले में हर काम करेंगे। सेवा में हमारा मोटा एक जो सबसे बड़ा रहेगा कि आदमी अपने पैरों पे कैसे खड़ा रहे, उसको काम कैसे मिले, जो छोटे काम हैं जो लोग छोड़ रहे हैं, उन कामों को हम लोग उनके घर तक पहुँचाएंगे। मान लीजिए एक गांव से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, गांव में उनको एक कुटीर उद्योग, जैसे कि उनके छोटे छोटे ग्रुप बना दिए हैं, जैसे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उस टाइप से हम लोग उनके 10 बच्चों के ग्रुप बनवा दिए जाएं, उन 10 बच्चों को ट्रेन करवाया जाए, उन लोगों को ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग का खर्चा देंगे, अगर उनके घर में कुछ समस्या है उसका स्टाइपेंड दिया जा सकता है। फिर ट्रेनिंग के बाद होता क्या है, आपने कॉमनली सीखते हैं कि मान लो एक सिलाई ट्रेनिंग दे देते हैं, उसके बाद भी वो खेत में काम कर रही है, सिलाई नहीं कर पाती है बच्चे, तो हम उसको सिलाई मशीन लेके दे सकते हैं, उनके ग्रुप को काम दिलवा सकते हैं, किसी स्कूल से या रेडीमेड इंडस्ट्री से बात कर सकते हैं कि इनको काम दो, वो काम ला सकते हैं, अगर उनको फाइनेंशियली हेल्प है वो भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार सर ने तमाम बातें जो कही हैं, इसके लिए अभी आपकी ओर से कुछ जगह वो चिन्हित कर ली गई है कि इन एरिया में पहले काम करना है या रूरल एरिया में पहले काम करना है, कुछ जगह है? सबसे पहला तो हम लोगों का मेरा मानना है कि हम लोग एजुकेशन में डे 1 से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी हम 8-10 लोगों से काम कर भी चुके हैं, कि जो बच्चा +2 के बाद कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज क्लियर कर लेता है, बट उसका फीस, फी का कोई इशू है, उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए बिना हम लोग उसके कॉलेज को फी देंगे। एजुकेशन में आप पहले जोर देंगे, पहले इसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं उसमें कार्य। अभी कुछ हम लोगों ने जैसे ऑलमोस्ट 8-10 दुकानें हैं बार्बर्स जो हैं, उन लोगों ने हम लोगों से अप्रोच किया कि हम लोगों को बार्बर शॉप्स खुलानी है, तो उसमें हम लोगों ने एक उसको लगाया हुआ है कि बार्बर दुकान पे एक अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल शॉप जो कॉलोनी में होती है 50,000-1,000 रुपये का खर्चा आता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है, उसी में एक कदम आपका, उसी में एक कदम समाज की तरफ से रहे, समाज की तरफ से। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विवेक कौल है, मैं ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से आया हूँ। आज सनातन एट की ओर से जो प्रेस ब्रीफिंग की गई है, आपकी ओर से 5 चीज़ों में ज़्यादा जोर दिया गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा,
सुरक्षा, संस्कार और सेवा। आपकी ओर से जो ब्रीफिंग की गई है, आपने प्रेजेंटेशन दी, तमाम आपने जो चीज़ें हैं वो गिनाई हैं, क्या लगता है कि किस चीज़ में काम करना पहले ज़रूरी है? मुझे लगता है पहले हेल्थ में और रोज़गार में, जो यंगस्टर्स होते हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। और रोज़गार में ये मतलब नहीं है कि हर एक को VVIP कोई जगह मिले, सीधी अगर आप अपनी दुकान भी खोलें वो लोग आएँ और मिडिल क्लास वहाँ पे, जैसे मैंने कम्युनिटी किचन की बात करी, हाइजीनिक तरीके से आपकी मम्मी हैं, डैडी बोले चलो आज वहाँ खाने जाएंगे, वहाँ पे अच्छे लोग हैं, हाइजीनिक हैं, तो उनकी भी रोज़गार मिलेगी। रोज़गार देना एक अच्छी चीज़ है। प्लस जैसे मैंने कहा चैरिटी शॉप्स खोलेंगे, उससे जो मनी जनरेट होगा अगेन हम अनएम्प्लॉयड लोगों पर हेल्प करेंगे। तो दिस इज़ ऑल ए कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने कहा कॉन्सर्ट्स करेंगे, उसमें जितना भी पैसा जमा होगा विल गिव इट बैक टू द सोसाइटी, और दुकानें खोलेंगे और रोज़गार की मुहैया करेंगे एंड हेल्प देम। जैसे बिगेस्ट थिंग इज़ उत्तराखंड में भी डिज़ास्टर्स होते हैं, डिज़ास्टर में मैंने जैसे कहा बिगेस्ट थिंग इज़ टू गिव देम फूड। अब कितने आपको 2-3 हलवाई चाहिए और 15-20-30 वॉलंटियर चाहिए, उतना ही चाहिए आपको। सेटअप बहुत छोटा है, जैसे मैंने खालसा एड का बोला होगा, खालसा एड का सेटअप बहुत छोटा है, जैसे वो अंग्रेज़ों को खाना खिला रहे थे, 15-20 लोग ही होते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है टू हेल्प पीपल। अगर आपकी मन साफ हो, लोगों को हेल्प किया जाए, खाना दिया जाए, उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। मतलब दैट इज़ व्हाट आई फील। आप पहले रोज़गार में, एम्प्लॉयमेंट में आप लोग ध्यान देंगे, इसके अतिरिक्त आपने सेवा, स्वास्थ्य, डिजास्टर बात की है। डिजास्टर में देखो, डिजास्टर कभी भी आ सकता है, उत्तराखंड में भी आते रहते हैं। वहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है वो सारे पहले बोलती है हमने इतना 1 लाख रुपया दे रहे हैं एक्सग्रेशन को, 1 लाख का करेगा क्या वो आदमी उस दिन, उसको तो भूख पेट खाना चाहिए। सो वी विल एड्रेस इज यू नो रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नीड्स होंगी वो उसमें हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। वी डोंट वांट टू गिव देम मनी, मनी का वो थोड़ा कुछ अचार बनने वाला है, खाना बनाएंगे, पूरी, छोले, सिंपल चीज़ें, आलू, जो आपके आलू की बड़ी सब्जी फेमस है यहाँ की, वो छोले चने जो सूखे चने वो खिलाएंगे। वो लगेगा कि यार कोई तो हमारा पूछ रहा है, हमको उनको पैसे नहीं चाहिए उस वक्त, उनको भूख चाहिए, और कपड़े देंगे और टेंट दे देंगे, सो द रोटी, कपड़ा और मकान का सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। वी विल कीपिंग इट वेरी सिंपल। जिस प्रकार से आपने एक और इसमें नई बात आपने रखी थी कि आप जो वेस्टर्न कल्चर है वो थोड़ा सा आप इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसमें कितनी मुश्किल आएगी, क्योंकि जो इंडिया का कल्चर है थोड़ा सा अलग है, लोग थोड़े झिझकते पहले हैं नई चीज़ को अपनाने में, क्या लगता है कि कितना मुश्किल होने वाला है, कब तक? मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। देखो आपने IPL अपनाया, वो भी बाहर का क्रिकेट है, वो क्रिकेट तो इंग्लैंड की गेम है, तो आपने कैसे अपनाया, अब लगता है क्रिकेट इंडिया का है। कोई भी अच्छी चीज़ कहीं भी अप्लाई हो सकती है। टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम जैसे कोई डिज़ास्टर आए हम तो तैयार हैं, डिज़ास्टर में जाएंगे डॉक्टर्स की टीम और वॉलंटियर्स की टीम जाएगी। जैसे नवंबर में हम अपने आप को वी आर गोइंग लाइव, तो यहाँ पे अनूप जलोटा जी आएंगे, बख्शी साहब आएंगे, हल्द्वानी में ही इनॉग्रेट करेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वी विल डू ऑल दीज थिंग्स इन ए बेटर वे एंड यू विल बी प्राउड ऑफ अस। बिकॉज जैसे मैंने कहा YMCA एक छोटा मकान होता है, उसमें अकोमोडेशन होती है, एक एजुकेशन होती है, थोड़ा सा हेल्थ होता है, तो उसमें करने में कोई बड़ी चीज़ तो होती नहीं है। और वी विल डू यूथ के प्रोग्राम, यूथ में जैसे अगर हम बोलते हैं यूथ को इकट्ठे करने के लिए कोई कॉन्सर्ट चाहिए, या कोई यू नो अगर नवरात्रि में डांस प्रोग्राम करना, वो भी कराएंगे। लेट देम इन्वॉल्व द यूथ, उनको लगे यार ये तो अपने लोग हैं, कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग विच यू नो बोर नहीं हो रहे हैं, उनको बोर नहीं कर रहे। यूथ बड़ा बोर हो जाता है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है आप लोगों का, तो अटेंशन विल गिव देम शॉर्ट थिंग्स विच दे विल लाइक। खाने पीने की, अब शाम को गए चलो जी वहाँ कम्युनिटी सेंटर में जाएंगे, कुछ भी नाम रख लेंगे, चौपाल या कुछ चौपाल रख देंगे, चौपाल जाएंगे आज, जगह चिन्हित कर लेंगे, इस जगह में यहाँ से शुरुआत करेंगे। कल ही आए अभी हम, देखनी है। अच्छा, अभी ये हाँ, चल रहा है, अभी चल रहा है, पीपल आर लुकिंग एट दीज थिंग्स एंड वी आर बाउंसिंग आइडियाज। जैसे चैरिटी का शॉप है जैसे मैंने कहा, उसके लिए भी हमने शॉप देखी इस एरिया में होना चाहिए, सनातन एडी रखेंगे, और आप जब उस दुकान में जाओगे, इतना ही बड़े दुकान होते हैं, उसमें फैशन चीज़ें होंगी, आपको कोई नया जैकेट खरीदना है पुराना आपने वहाँ दे दिया, उसको हम धुला के साफ करके उसमें रेल्स में रखेंगे जैसे बाहर होता है, जूते होते हैं, ये होते हैं, कपड़े होते हैं, बुक्स होती हैं, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर रखेंगे, सो दैट जो एफोर्ड ना कर पाए लोग, दैट वी आर गोइंग टू दैट सेगमेंट। वो समझो आपका जीन्स 5-6 हज़ार का है, आपने 10 हज़ार का लिया है, वो हम वहाँ पर आपने हमको मुफ्त दिया हुआ है, वी जस्ट विल कीप इट फॉर 300-400 रुपीज़, उससे पैसा जनरेट होके वी विल यूज़ इट बैक टू द सोसाइटी। दैट इज हाउ टू जनरेट मनी। जैसे बाहर ऑक्सफैम है और मैकमिलन है और देर आर सो मैनी ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है, उन सबका यही कॉन्सेप्ट है, दिस हैज़ बीन ट्राइड एंड इट इज़ सक्सेसफुल। इंडिया में जाके वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर, हमारे दिन में ये किसी ने शुरू नहीं किया, बिकॉज आप लोग इतने व्यस्त रहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, आपको ऐसा सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। इनिशिएटिव नहीं लिया किसी ने, आपने ये कह रहे कि उसको नहीं। और हमने, मैंने जिंदगी का ये पोर्शन रखा था कि मुझे ये, मैंने सीखा है ये वापस देना है देश को, ये चीज़
चीज़ें करनी है वहाँ पे। तो चलिए, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है। जे जे ने आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है कि आप बहुत अच्छा करें। और इसी के साथ, जिस प्रकार से आपने देखा कि हल्द्वानी की निजी एक होटल में सनातन एट की ओर से एक बेहद ही अच्छी पहल की शुरुआत की गई है, जे जे ने पूरी कवरेज आपको दिखाई है। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से पाँच चीज़ों में ज़्यादा जोर इनकी ओर से दिया गया है। देखने वाली बात होगी किस प्रकार से जो ये है, ये जो पूरा कार्यक्रम में लॉन्च होता है, किस प्रकार से हेल्प लोगों की होती है, यूथ आगे बढ़ के आता है। क्योंकि जो कार्यक्रम है बेहद ही खास यूथ के लिए होने वाला है, रोजगार से संबंधित भी कार्यक्रम इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, जे जे न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।